मीटिंग इज किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है? यस सर। हाँ बोलो। बोलो श्रुति। सर एनसीईआरटी सॉरी आरएस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13। Which term of AP is the first negative term? यही वाला? Yes, sir. Okay, which term of the AP is the first negative term? चलो तो इसमें तुम्हारा देखो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्म होगा इसका मतलब क्या, वो जीरो से छोटा होगा जो भी होगा, हाँ या ना, बताओ। यस सर। इसमें ए क्या है बताओ, तो ए कितना है देखो 24। और डी कितना है? राइट, हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत। अब हम लोग को जो चाहिए nth टर्म चाहिए, nth टर्म क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हम लोग को जो an चाहिए, nth टर्म चाहिए, वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, मतलब nth टर्म जो है वो जीरो से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तब इसका फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए। चलो अब a के जगह पे क्या पुट कर लेंगे, ए के जगह पे 24, एन माइनस वन और डी के जगह पे -3। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो 24 और ये क्या होगा -3n+3, तो इस 3n को उधर लेके चल जाओ, तो 24 + 3 कितना हो गया 27। तो 27 by 3 मतलब क्या हो गया, तो मतलब n का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, 9 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। n का वैल्यू जो है, पहला नेगेटिव टर्म जो है वो 9 से बड़ा होगा। तो बताओ पहला नेगेटिव टर्म अगर 9 से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कौन सा टर्म होगा, वो कौन सा टर्म होगा, 10। पहला नेगेटिव टर्म 9 से बड़ा होगा, 9वां टर्म नेगेटिव नहीं होगा, 9th टर्म के बाद जो टर्म आएगा वो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब है कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, 10। हाँ इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्लियर है, बोलो क्लियर है,
कैसे आया ये नहीं समझ आया। देखो कैसे आया, n का वैल्यू 9 से बड़ा है। अब बताओ n का वैल्यू अगर 9 से बड़ा है तो क्या कोई 9.5 कोई टर्म हो सकता है? नो सर। 9.1, 9.2, 9.9 तक कोई टर्म नहीं ना हो सकता है? नो सर। टर्म जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर में आएगा, राइट? यस सर। तो अगर n का वैल्यू 9 से बड़ा है तो n का पहला, देखो पहला नेगेटिव टर्म पूछा है, तो अब 9 के बाद जो भी टर्म आएगा वो सारा नेगेटिव होगा, ठीक है? 9 तक तो तुम्हारा पॉजिटिव है, 9 के बाद जो भी टर्म आएगा वो सारा टर्म नेगेटिव होगा। तो आपसे पूछा है पहला नेगेटिव टर्म कब आएगा, तो 10th टर्म जो होगा 9 टर्म से बोला बड़ा होना चाहिए तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 9th के बाद क्या आता है, 10। इसका मतलब है 10 से जो भी 10th के 10 और 10 के बाद जो भी टर्म आएगा वो सारा टर्म कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो। और बोलो, और किसी को कोई डाउट है? सर एग्जाम्पल 18 भी। एग्जाम्पल 18, If m times the mth term of AP is equal to n times the nth term of AP and m not so that, ठीक है। इसको हटा दें? नो सर, बस एकदम कॉपी करो। कॉपी हो जाएगा बताना। सर हो गया। सबसे पहले से बताओ mth टर्म क्या होगा, mth टर्म क्या होगा? a प्लस माइनस वन इंटू बी, ये क्या होगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, हाँ या ना? बोलो। यस सर। और nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखो बोला है क्या, m टाइम्स mth टर्म, मतलब mth टर्म का m टाइम्स, तो हम इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू mth टर्म इस बोला इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के। देखो n टाइम्स nth टर्म के मतलब n इंटू nth टर्म। बोलो समझ में आ रहा है सबको, हाँ के ना? यस सर। तुम लोग को? विनीत, ऋषभ, यस सर, जैस्मिन, ज्योतिका, साक्षी, प्राची, यस सर, यस सर। चलो तो आप देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं क्या इस तरीके से, m into, देखो m into ये
a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू n इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. हाँ के ना? यस सर. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. एनी टर्म जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है, इस सब को उठा के इस साइड ले आते हैं. अगर सबको उठा के इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा बताओ तुम? एम इंटू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी. ठीक है, इसको उठा के लाएंगे तो क्या होगा? माइनस एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो. बोलो सही बात है? हाँ के ना? यस सर. ऐसा होगा? बोलिए. यस सर. कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर. अब एक चीज और बताओ, हम लोग को बोला है m प्लस nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म क्या होगा? ये क्या होगा? a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी. हाँ के ना? देख लीजिए, यही होगा? बोलिएगा हाँ या ना? यस सर. चलो इसको अगर अंदर लेके जाए तो क्या हो जाएगा? एम ए प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी देख लो इज इक्वल्स टू जीरो. चलो एम ए को और माइनस एन ए को एक साथ लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम ए माइनस एन ए प्लस यहाँ तो क्या हो जाएगा? ये इंटू होगा तो एम स्क्वायर. यहाँ पे हो जाएगा क्या? माइनस, देखो माइनस क्या हो जाएगा? एम इंटू डी प्लस, देखो ये एन जाके मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर. यहाँ एन जाके मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा? माइनस एन इंटू डी इज इक्वल्स टू जीरो. आगे देखो अब इस d को अगर अंदर ले आए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइएगा जरा सा. m a माइनस एन ए, ठीक है, प्लस देखो क्या होगा? क्या ये इसको m स्क्वायर d माइनस एम डी लिख सकते हैं और प्लस n स्क्वायर d माइनस एन डी इज इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं? बताइएगा हाँ या ना? यस सर. ठीक, अब जरा सा देखो तो इस एम स्क्वायर डी और एन स्क्वायर डी को साथ में लिखते हैं, माइनस एम डी और माइनस एन डी को साथ में लिखते हैं. तो यहां से देखो क्या होगा, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है? यहां से क्या कॉमन निकल ए. ए. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो? एम माइनस एम ए, ऐसे लिख सकते हैं ना? और इन दोनों को तो क्या कॉमन निकलेगा बताओ तो? इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो डी. तो लिख सकते हैं प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू डी. और इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो क्या कॉमन निकलेगा बताओ? एन माइनस एम प्लस एन इंटू डी इज इक्वल टू, देख के बताओ. ठीक है? यस. देख के बताओ. ठीक है, बोलो. यस सर. यस सर. ठीक है, चलिए यहां तक तुम्हारा हो गया. एम स्क्वायर माइनस एम डी माइनस एम डी. और एक चीज देखो, एक चीज थोड़ा सा
थोड़ा सा देखो, ये माइनस था ना, तो ये सारा तो माइनस हो जाएगा ना जी। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस, ये भी तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस एन ए और माइनस एन स्क्वायर आएगा यहाँ पे, माइनस एन स्क्वायर होगा, ठीक है, ये माइनस एन स्क्वायर डी होगा और ये तुम्हारा प्लस एन डी होगा, ठीक है। माइनस एन स्क्वायर कहाँ चला गया, ये तुम्हारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। देखो तो ये माइनस था, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा ना, फिर ये माइनस यहाँ जाएगा तो इसको माइनस करेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, माइनस, चलो ये माइनस चेंज हुआ ना, तो ये माइनस एन स्क्वायर डी हुआ और प्लस तुम्हारा क्या हो गया, एन डी हो गया। तो अब लेके आते हैं इसको, ये आ गया अपना एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर डी, ये हो गया माइनस एन स्क्वायर डी और ये हो गया तुम्हारा प्लस एन डी, ठीक है। चलो अब दिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा एम माइनस, ठीक है, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस एम डी और ये, अब एक बार मिला लेना, सब ठीक है, मिला लो, यहां तक मिला लो जी, सब ठीक है, मिला लो एक बार, यस सर। अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या, m माइनस एन इंटू ए, यहां देखो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिख सकते हैं, क्या इसको m प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय m एम माइनस एन इंटू डी और माइनस एम माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब गौर करना कि क्या कॉमन निकल रहा है, एम माइनस एन माइनस एन एम माइनस एन कॉमन निकल रहा है सब में से, हाँ के ना, यस सर, सब में से तुम्हारा एम माइनस एन कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा m प्लस एन इंटू डी और यहाँ पे क्या बचा माइनस डी इज इक्वल्स टू जीरो। बोलो ठीक बात है, यस सर। अब इन दोनों में, इन दोनों में क्या d भी कॉमन निकल रहा है, बोलिए क्या इन दोनों में d कॉमन निकल रहा है, हाँ कि ना, बोलो निकल रहा है, यस सर, हाँ। तो इन दोनों में अगर डी निकल रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो एम माइनस एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो ए प्लस, ए प्लस, ठीक है, क्या हो गया एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको उठा के अगर इधर भेज दे तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या आ गया तुम्हारे पास ए प्लस एम एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। और यही देखो क्या एम प्लस एनथ टर्म यही है, हाँ के ना, तो आ गया तुम्हारा एम प्लस एनथ टर्म जीरो के बराबर। देख लो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, एक बार देख लो किसी को कहीं पे कुछ गड़बड़ लगे, कुछ दिक्कत बुझाए बता देना, बाकी नोट कर लो। किसका डाउट था श्रुति, क्लियर हो गया, यस। और किसी को कोई डाउट है, यस सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो सर, वो लीनियर इक्वेशन से था सर, उसमें था सर सॉल्व 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 6 सर, और एक था x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 10 सर, तीन इक्वेशन। क्वेश्चन भेज देना ना चैट में, देख लेंगे। ओके सर, कोई एपी से बताओ किसी को और कोई दिक्कत है सर, एक और है एग्जांपल नंबर 20।
एग्जांपल नंबर 24. Yes, sir. A sum of 1000 is invested at 8% per annum. Simple interest. Calculate the interest at the end of first, second, third year. Is the sequence of interest an AP? देखो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है? तो ये सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है तो वो एपी में है, ठीक है? बात समझ में आया श्रुति? यस सर। अब दिक्कत बताओ क्या है तुमको इसमें, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है वो बताओ। सर ये सेकंड स्टेप जो लिखा है देन आई एन इज इक्वल टू पी इनटू आर इनटू एन, ये नहीं समझ आ रही कैसा है। इंटरेस्ट है वो, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100 होता है। बोलो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100 होता है, हाँ के ना? Yes, तो वो इसमें हमारा जो है वो आई लिख के वो इंटरेस्ट को आई एन से डिनोट कर रहा है, बस इतना ही, इसी का कंफ्यूजन था, और कोई कंफ्यूजन है? नो सर। क्लियर है? यस सर। देख लो क्लियर है कि बनाना होगा, देख। और बताओ और किसका क्या डाउट है? प्राची तुम्हारा कोई डाउट? ज्योतिका, जैस्मिन, अभिनव, ऋषभ, अर्पित? नो सर। किसी का कोई डाउट नहीं? ओके नो सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा क्लियर हो गया श्रुति? यस सर। सर यहाँ पे m प्लस n टर्म इज इक्वल टू क्या क्या बोलो ये सर लिखा हुआ है, m plus n term is equal to a plus m plus n minus 1, ये कैसे आया? ये वाला सर सबसे ऊपर जो है, ये वाला? यस सर। रुको देखो इधर सब क्लियर है? यस सर। देखो ये आया नहीं है, इसको लिखे हैं कि अगर तुमसे बताओ nth term लिखने को कहा जाता है, एन लिखने को कहा जाता है, तो आप क्या लिखते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं ना, ये आया नहीं, इसको तो बस लिखे हैं, ठीक है? इसको लो हटा दिए। ये देखो nth टर्म को आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं ना, तो अगर आपको बोला जाएगा कि m प्लस nth टर्म लिखो तो आप क्या लिखिएगा? ए प्लस एन के जगह पे इस बार m प्लस n होगा। yes, sir. ये होगा ना, हाँ के ना? तो वही यहाँ पे लिख के तुमको दिखाएं कि अगर तुमसे m plus nth term लिखने को कहा जाए तो आप इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ के बाद देखो, यहाँ के बाद यहाँ पे है, इस जगह पे है, ठीक है? ये है, समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? चल यस सर। तो इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिए, ताकि और इफ पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड इट्स क्यूएथ टर्म is p,
then show that. Then show that it's P plus Qth term is zero. Bano. जिसका हो जाएगा बताना। सर हो गया। हो गया? यस सर। गुड। और किसका किसका बना? अर्पित का एक तो बना। देखो इसमें क्या करना था। प्राची बना? सर बना रहे। तुम्हारा जैस्मिन? ज्योतिका? सर बना रहे। श्रुति? अभिनव? सर बन गया। सर हो गया। ऋषभ आपका हुआ? ऋषभ
तो पीएथ टर्म आप एपी क्यू बोल रहा है, पीएथ टर्म मतलब क्या, पीएथ टर्म ये बोल रहा है क्या है, क्यू है, और बोल रहा है क्यूएथ टर्म पी है, क्यूएथ टर्म क्या है, पी है, पीएथ टर्म क्यू है और क्यूएथ टर्म क्या है, पी है। तो पीएथ टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये क्या है, क्यू है, और क्यूएथ टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये पी है। इफ पीएथ टर्म अपन एपी इज क्यू एंड क्यूएथ टर्म इज पी, then so that it's p plus qth term, और ये same ap का बात कर रहा है, pth उसी ap का pth term उसी ap का qth term, तो यहाँ से तुम एक काम करो, इस दोनों में elimination लगा लो, elimination लगा लो और solve कर लो, तो a plus p minus one into d is equals to q, और दूसरा है a plus q minus one into d is equals to p, ठीक है, solve करो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आ रहा है समझ में, हाँ क्या ना, तो ये ए से ए कट जाएगा, बोलो सही है, तो यहाँ क्या बचेगा, हाँ तो यहाँ क्या बचेगा, पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, देखो तो क्यू माइनस पी, हाँ क्या ना, क्यू माइनस, अब देखो यहां से तुम्हारा d कॉमन निकल रहा है, तो d को कॉमन निकाल लो, तो d को अगर कॉमन निकाल ले हम लोग, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, हम लोग बचेगा p माइनस वन, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस q प्लस वन, देखो अभी माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, d इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब एक चीज बताओ कि क्या यहां से नेगेटिव कॉमन निकाल सकते हैं, नेगेटिव माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी, या फिर ऐसे रुक लिखते हैं, माइनस क्या होगा, माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, इसको आगे इसको पीछे लिखते हैं, तो डी q माइनस पी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, इसे को क्या दिक्कत लेगा बताना, अब इसको उठा के इधर ले आ रहे हैं, तो d का वैल्यू निकल जाएगा, d इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो तो q माइनस पी बाई माइनस q माइनस पी, तो q माइनस पी से q माइनस पी कट जाएगा, तो d का वैल्यू निकल गया क्या, माइनस वन, बोलो यहां तक क्लियर है, बताओ क्लियर है यहाँ तक, सर उधर का लास्ट लाइन समझ में नहीं आया सर, क्या बोले सर, वो लास्ट लाइन समझ में नहीं आया सर, डी ये वाला, ये सर उधर साइड सर, लेफ्ट साइड, ये यस सर, यहाँ पर देखो, यहाँ तक समझ में आया, यस सर, यहां से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो माइनस अगर कॉमन निकाले तो प्लस पी है, तो माइनस पी हो जाएगा, यस सर, और ये माइनस क्यू है तो प्लस क्यू हो जाएगा, यस सर, माइनस कॉमन निकल गया ना, यस सर, अब देखो क्या इस क्यू को आगे और इस पी को पीछे लिख सकते हैं, यस सर, क्यू को आगे और पी को पीछे लिख सकते हैं ना, जी सर, तो यहां तक अब क्लियर है, यस सर, आगे सर, अब इस पूरे को उठा के ये मल्टीप्लाई में है, डी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरा साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा ना, यस सर, तो ये तुम्हारा डी माइनस वन आएगा ना, यस सर, अब डी का वैल्यू माइनस वन है, यहाँ पे तुम्हारे पास इक्वेशन वन, यहाँ पे तुम्हारे पास इक्वेशन टू, किसी में भी पुट कर दो, अब वन में पुट कर दे रहे, तो वन में पुट कर दे रहे हैं, तो देखो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी के जगह पे क्या पुट कर रहा है, माइनस वन, ये हो गया क्यू के बराबर, बोलो ठीक है, यस सर, तब ए का वैल्यू देखो निकल जाएगा, ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो तो
ये माइनस वन इधर आके इनटू होगा तो क्या बनाएगा इसको, माइनस वन आएगा तो ये माइनस पी बनेगा, और ये माइनस वन आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस वन बनेगा। तो देखो अभी ये पूरा उठ के इस साइड आएगा तो क्या होगा, a इज इक्वल टू क्यू, माइनस पी है तो प्लस पी और प्लस वन है तो माइनस वन, हाँ के ना? Yes, बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. अब हम लोग से क्या पूछा है, प्रूफ करो, दिखाओ कि p प्लस qth टर्म जीरो होगा। अब एक चीज बताओ, p प्लस qth टर्म बोल रहा है जीरो होगा, तुम बताओ p प्लस qth टर्म को क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो इतना लिख सकते हैं, हाँ के ना? यही ना होगा तुम्हारा p प्लस qth टर्म, यस और नो? यस। अब ये दिखाना है कि जीरो होगा, तो a का वैल्यू आया है मेरे पास q प्लस p माइनस वन, और d का वैल्यू आया मेरे पास क्या, माइनस वन, d का वैल्यू आया मेरे पास माइनस वन और ए का वैल्यू आया, देख लो ठीक है ना। अब चलो आगे काम करते हैं। तो ये हो गया, ए के जगह पे लिखेंगे क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी के जगह पे लिखेंगे माइनस वन। तो ये माइनस वन यहां से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया क्यू प्लस पी माइनस वन माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन। अब बताओ, देखो पी प्लस माइनस वन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाएगा कट के, आ गया ना? बोला दिखाओ पी प्लस क्यू टर्म जीरो के बराबर हो गया, जीरो के बराबर, नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यस सर, यहाँ से नहीं समझ आया कहाँ पे है p प्लस qth टर्म की बात, p प्लस qth टर्म, ठीक है। बताओ श्रुति, अगर nth टर्म लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म लिखना रहता है तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो अगर p प्लस qth टर्म लिखना है तो क्या लिखोगी n के जगह पे, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, पी प्लस क्यूथ टर्म के जगह पे क्या लिखे, वही चीज लिखे है ना? यस सर। और a का क्या वैल्यू आया, यही वैल्यू आया ना a का? यस सर। a के जगह पे पुट कर दिए, देख लो। यस सर, समझ। और d के जगह पे माइनस वन, d के जगह पे माइनस वन, प्लस माइनस माइनस कट गया जीरो, क्लियर है? Yes, sir. और किसी को कोई डाउट है? प्राची तुमको साया समझ में? Yes, sir. जैस्मिन, ऋषभ, अर्पित, अर्पित से तो बन गया था, ऋषभ, yes, sir. अभिनव, साक्षी, no, sir. Yes, sir. Okay, good. चलो ठीक है, तो तुम लोग का पहला एक्सरसाइज यही था, इस तरीके से क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है, ठीक है। नोट कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है तुम लोग का अरिथमेटिक मीन,
एरिथमेटिक मीन. देखो मान लेते हैं इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, मान लेते हैं कि अगर तुम्हारा ए बी सी एपी में है, ठीक है, अगर ए बी सी एपी में है, ठीक है, तो बताओ तो क्या लिख सकते हैं. अगर ए बी सी एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, क्या उस समय ऐसे लिख सकते हैं कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. हाँ क्या ना बताओ, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. सब कोई समझ लो, देखो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाया गया और थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म घटाया गया, और दोनों से कॉमन डिफरेंस निकलेगा तो वो इक्वल होगा क्योंकि दोनों एपी में. इसको देखो हम नंबर्स के थ्रू इधर से बताते चलते हैं. मान लेते हैं 2, 4, 6 एपी में, तो तुम 4 माइनस 2 करो तो वो बराबर होगा 6 माइनस 4 के, ठीक है. तो अब जरा सा देखो, माइनस बी को इस साइड लाएंगे तो बी, और माइनस बी साइड आएगा तो प्लस बी, और सी है ए को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस ए. तो बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b. 2b is equals to c plus a, मतलब b is equals to a plus c by 2. हाँ के ना? नंबर वाला भी देख लो. 4 is 4 minus 4 को इधर लेके आओ तो 4 plus 4 8 हो जाएगा और ये 6 plus 2. ठीक है? तो देखो इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 4 is equals to 8. तो क्या हो जाएगा, 4 is equals to 8 by 2. ठीक है, तो देखो 4 ही आएगा. मतलब क्या कि अगर कोई टर्म एपी में है, अगर कोई टर्म्स एपी में है, ठीक है, तीन टर्म दिया है एपी में और उसको तुमको एरिथमेटिक मीन निकालने बोला जा रहा है, तो जो मिडिल टर्म है वो किसके बराबर होगा, बाकी जो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स का सम, है ना, सम करके क्या करो, उसका एवरेज कर दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक मीन निकल के आ जाएगा. मतलब क्या, मिडिल वाला टर्म जो होता है दोनों टर्म का एरिथमेटिक मीन है. हाँ या ना, मिडिल वाला टर्म जो है देखो दोनों टर्म का एरिथमेटिक मीन है. यस और नो? यस सर. यस सर. नोट करिए इसको, नोट करिए. हो गया सर. हो गया? यस सर. चल तो लेकर क्वेश्चन बना के बताओ. तो फाइंड द एरिथमेटिक मीन बिटवीन, फाइंड द एरिथमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19. बनो 16. सर 16. सबका आ गया 16? यस सर. गुड. अभी तक सबका जवाब नहीं आया जी. जी हाँ, 13 और 19 के बीच में बोला गया. तो मान लेते हैं कि 13 और 19 के बीच में b है जो अरिथमेटिक मीन है, तो b कैसे निकलेगा, b निकलेगा 13 प्लस 19 बाई 2. हाँ कि ना? तो ये हो गया तुम्हारा 32. तो
तो b इज इक्वल्स टू हो गया क्या 32 बाई 2 मतलब क्या b इज इक्वल्स टू 60। क्लियर है ना? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसका बहुत कम चांस है। अब देखो आएगा कैसा क्वेश्चन, उसके बारे में उसको सीखते हैं। देखो कुछ रिजल्ट सीखते हैं। रिजल्ट क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे हम लोग मानते हैं ना कि हम लोग का दो टर्म है, तीन टर्म है, या फिर हम लोग जैसे मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स वाई, ऐसे करके मानते हैं। कब मानते हैं? जब हम लोग कोई चीज पता नहीं होता है। सेम काम तुम्हारा देखो एपी में भी होगा। अगर तुमको टर्म्स नहीं पता है, अगर तुमको टर्म्स नहीं पता है, अननोन है, और बोल दिया कि तीन टर्म का एपी है, चार टर्म का एपी है, पांच टर्म का एपी, लेकिन तुमको टर्म्स नहीं पता है, तो उस समय आपको क्या करना होगा? आपको तो टर्म्स मानना होगा, है ना? आपको तो टर्म्स को मानना होगा कि तीन टर्म है, तो मान लेते हैं वो तीन टर्म क्या होगा, पहला टर्म मेरा ए होगा, इसके पहले वाला टर्म को मान लेते हैं कि ए माइनस डी होगा, और इसके आगे वाला टर्म को मान लेते हैं ए प्लस डी होगा। ऐसा ही क्यों माने? इसी तरीके से ही क्यों माने कि a होगा a माइनस डी होगा a प्लस डी होगा, ऐसा ही क्यों माने? तो इसको पीछे का कारण बस इतना है कि आप जानते हैं इस बात कि ap में कॉमन डिफरेंस जो होता है सेम होता है। तो अगर किसी नंबर में d घटाया जाए तो उसके पहले वाला टर्म मिल जाएगा, और किसी नंबर में d ऐड किया जाए तो उसके आगे वाला टर्म मिल जाएगा। जैसे कि 2, 4, 6 है, तो 2, 4, 6 को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आप 4 लिखे हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो देखो तो 4, 4 माइनस 2 और 4 प्लस 2 मतलब क्या? दोनों माइनस डी लिखे हैं और प्लस डी लिखे हैं। तो यहाँ पर देखो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया, और 4 प्लस 2 6 हो गया। तो इसका मतलब है कि नंबर में डी घटा दिए और नंबर में डी जोड़ दिए, तो 3 टर्म मेरा एपी का निकल के आ गया। यस और नो? Yes, sir. जब तुमको 3 टर्म्स बोला जाए कि कोई 3 टर्म एपी का है, तो आपको क्या करना है? इस फॉर्म को यूज करना है, ठीक है? इस फॉर्म को यूज करना है, 3 टर्म्स जब दिया रहे तब। बोलिए कोई डाउट? नहीं ना? Yes, sir. बोलो। No, sir. देखो अब 4 टर्म जब एपी में रहे तो कैसे लिखेंगे? अब देखो 4 टर्म जब एपी में रहेगा ना, तो इस तरीके से लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा? कि अगर ऐसे लिखते हैं, देखो a लिखते हैं, ठीक है, a माइनस डी लिखते हैं, फिर तुम्हारा a प्लस डी लिखते हैं, ठीक है, तो फिर अगर a प्लस 2d लिखेंगे, ठीक है, तो इधर फिर तुम्हारा a माइनस 2d लिखेंगे, फिर 5 टर्म बन के आ जाएगा। तो उसके लिए क्या बोला गया कि थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं और इसको गायब करते हैं। इसको गायब करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? फिर हम लोग बहुत आराम से a माइनस डी लिख देते हैं। देखो इसको लिखते थे कि a प्लस डी, पहला टर्म a प्लस डी, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? a माइनस, फिर लिख देते हैं a प्लस 3d और a माइनस। तो जब 4 टर्म किसी एपी का दिया हो या पूछे 4 टर्म है और चारों टर्म अननोन हो, तो आप इस तरीके से उस सारे टर्म्स को यूज कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? 4 अननोन टर्म्स रहेगा तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, 4 अननोन टर्म्स रहेगा तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। तो आप 5 टर्म वाला भी देख लेते हैं, 5 टर्म जब रहेगा तब क्या होगा? देखो एक चीज और समझ लो, इवन में a लेके चल रहे हैं, ऑड है तो तुम्हारा क्या कर रहे हैं? a प्लस डी लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 5 टर्म है तो क्या लिखेंगे बताओ? 5 टर्म है तो a माइनस डी, अभी देखो लिख के दिखाए थे इससे पहले, a माइनस डी, a प्लस 2d, a माइनस 2d। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लो।
क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? आगे देखते हैं। तो बस ये तीन को रिजल्ट याद रखना और याद क्या ध्यान में रखना, बस काम हो जाए। सुनिए क्वेश्चन है, डिटरमाइन के सो दैट 3k-2 3k-2 4k-6 and k+2 are 3 consecutive terms of AP. नोट कर लो, बना k=3 कितना? 3 k=3 सर k=3 k=3 ओके। 3 consecutive terms of A. तो इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? सर कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अरिथमेटिक मीन से निकाल सकते हैं? यस सर, उससे भी निकल जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन से जो क्वेश्चन में बन जाएगा उसमें अरिथमेटिक मीन ही लगा के बनाएंगे। तो इसमें हम लोग को भी बोला 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, इसका मतलब है कि तुम्हारा 4 के मिडिल टर्म जो है वो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा किसका? फर्स्ट और लास्ट टर्म का। तो मतलब 3k-2 प्लस k+2 डिवाइडेड बाय 2। तो इधर देखो क्या है, 8k-12 3k-12 = 3k + k, 4k + 2 खत्म। ठीक है, तो 4k को इधर ले आओ, तो 8k - 4k = 12। तो 4k = 12, तो k = 3। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन दे दो। Find the 3 terms in AP whose sum is 15 and whose product is
105 बनाओ 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 सर हाँ बोलो सर द थ्री टर्म्स आर 7, 5, and 3 7, 5, and 3 ओके सर 3, 5, 7 3, 5, 7 चलो देखो इसमें हम लोगों को क्या करना था देखो इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए तुमको जो टर्म लिखने हैं वो सिखाया गया इसे बोल रहा है तीन टर्म है और तीनों एपी में है हम लोग को टर्म नहीं पता है तो क्या कर देंगे लिखेंगे लेट द थ्री टर्म्स बी थ्री टर्म्स बी ए ए माइनस डी एंड ए प्लस डी मान लेते हैं तीन टर्म ये बोल रहा है क्या फाइंड द थ्री टर्म्स इन एपी सम इज 15 मतलब इन तीनों का सम 15 है मतलब a माइनस डी ए और a प्लस डी इसका सम 15 है तो माइनस डी प्लस डी खत्म तो 3a इज इक्वल्स टू 15 तो a इज इक्वल्स टू 5 a इज इक्वल्स टू 5 और बोल रहा है जिनका प्रोडक्ट 105 है तो प्रोडक्ट 105 मतलब a माइनस डी a और a प्लस डी ये दिया है तुमको 105 तो यहाँ पे ए पता है चल चुका है कि 5 है तो ए के जगह पे 5 लिख देंगे तो 5 माइनस डी 5 और 5 प्लस डी इज इक्वल्स टू 105 तो 5 का देखो 5 ए माइनस बी और ए प्लस बी तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर into 5 is equals to 105 तो देखो 5 का square minus d square is equals to 105 by 5 कितना आगा कट के देखो आएगा 21 आएगा ना ठीक है कोई दिक्कत चलो अब इस d square को उधर लेके जाते हैं तो देखो 5 का square माइनस 21 इज इक्वल टू डी स्क्वायर चल तो 25 माइनस 21 इज इक्वल टू डी स्क्वायर तो कितना निकल के आ गया 25 में से 21 जाएगा तो 4 तो डी का वैल्यू क्या आ गया 2 प्लस माइनस 2 तब एपी का टर्म पहला टर्म था 5 और दूसरा टर्म था क्या तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आया 2 तो एपी क्या हो सकता है एपी हो सकता है 5 प्लस 2 ठीक है और क्या हो सकता है 5 देखो इसके हिसाब से 5 माइनस 2 और क्या हो गया 5 प्लस 2 तो कितना आ गया 5 में से 2 गया तो 3, 5, 7 और दूसरा अगर हम लोग डी को माइनस टू लेते हैं तो क्या होगा डी को अगर माइनस टू लेते हैं तो तुम्हारा क्या होगा 5 5 माइनस माइनस 2 और 5 प्लस माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा 5 देखो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 और 5 माइनस 2 कितना हो गया 3
तो ये तुम्हारा एपी बन गया। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट? यहाँ पे दो आंसर क्यों आया, क्योंकि ये देखो स्क्वायर था, स्क्वायर जब भी आता है तो प्लस माइनस रूट आएगा, प्लस माइनस लेके आएगा, हाँ के ना? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? नो सर। नोट कर लो। तो अब आप लोग का दूसरा एक्सरसाइज 5B जो है वो बहुत आराम से बन जाएगा, हाँ के ना? जो भी डाउट आएगा आप उसको नेक्स्ट क्लास से पूछेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।